शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बेसन की बर्फी। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं ये बेसन की बर्फी। ये चाशनी है मेरे पास गुलाब जामुन की, गुलाब जामुन मैंने बनाए थे तो उसी से ये चाशनी मेरे पास बच गई थी, तो इसी से आज हम बर्फी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच घी के भर के और 1 कटोरी डाल रही हूँ मैं भर के बेसन। इसमें ग्राम में नापेंगे तो ये लगभग 250 ग्राम के लगभग मेरा बेसन होगा और इसे हम अच्छी तरीके से घी में मिक्स कर देंगे। अच्छे से हम घी में से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। इसे अच्छी तरीके से हम चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। शुरू शुरू में ये चलाना हार्ड होगा लेकिन जैसे जैसे ये हमारा भुनता जाएगा बेसन, वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा और आसानी से चल जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम इसे चलाते जा रहे हैं ये इतना ही चलाने में आसानी होती जा रही है, थोड़ा ढीला होता जा रहा है। आप चाहे तो बेसन की बर्फी में घी थोड़ा कम भी डाल सकते हैं क्योंकि हम चाशनी से बर्फी बना रहे हैं। तो हम इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए अब हमारा बेसन कितना स्मूथ चल रहा है, इसे हम आसानी से चला सकते हैं। देखिए बेसन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और इसे भूनते हुए लगभग मुझे 7 से 8 मिनट हो चुकी है और बेसन भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और भूनूंगी जिससे इसका थोड़ा सा और कलर आ जाए। बेसन पूरी तरीके से भून के तैयार हो चुका है, देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। जैसे ही ये भून के रेडी हो जाए तो हमें अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें डालना है। इससे क्या होगा, इससे इसमें दाने पड़ जाएंगे और ये बर्फी हमारे मुंह में चिपकेगी नहीं, ये दानेदार बर्फी बनेगी। इससे ये उफनने लगेगा तो यही कंडीशन हमें इसमें चाहिए जिससे इसमें दाना बन जाए। और एकदम से ये फूल भी गया है और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे अपनी बची हुई चाशनी। गुलाब जामुन की चाशनी जो है पतली होती है तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, 1 तार तक पकने देंगे। चाशनी पकने लगी है और इसमें मैंने 3-4 ये हरी इलायची है इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, ये इसमें डाल रही हूँ। इलायची से बर्फी में खुशबू बहुत अच्छी आएगी और अगर आप इसमें थोड़ा सा अच्छा कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए, नहीं तो वैसे भी बेसन की बर्फी का कलर बहुत अच्छा ही आता है। एक बार चाशनी का तार चेक कर लेते हैं, देखिए ये तार बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो अब हम इसे चाशनी को अपने मिक्सर में मिलाएंगे। अब हम बेसन में ये चाशनी डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करने के बाद में हम इसे स्पैचुला से थोड़ी देर तक हम इस तरह से जोर से इसे घुमाएंगे ताकि पूरा मिक्सचर एक सार हो सके इसका और इसमें स्मूथनेस आ सके। ये बेसन का मिश्रण देखिए कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है और अब ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे घी से ग्रीस करी हुई ट्रे में डाल देंगे। चलिए इसे ट्रे में डालते हैं। ट्रे को मैंने पहले ही घी से ग्रीस कर लिया था और अब हम मिश्रण को इसमें डाल देंगे। स्पैचुला से इसे इक्वल कर देंगे, स्पैचुला से कर देंगे ऐसे। अब स्पैचुला को रख देंगे एक तरफ हम और एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच से इसे इस तरीके से हम इसे फैला देंगे। जितना भी मोटा या पतला आपको फैलाना है उसके हिसाब से आप मिश्रण लीजिए, नहीं तो दूसरी ट्रे में भी आप डाल सकते हैं। चम्मच से हमने इक्वल कर दिया है इसे। अब हम इस तरह से एक कटोरी लेंगे और इसके पीछे हम घी लगा लेंगे और इससे हम इसे ऐसे प्रेस कर देंगे। अब ये इक्वल हो गया है, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये मैंने कुछ बादाम काट के रखे थे, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इस पर ड्राई फ्रूट फैला देंगे और ड्राई फ्रूट डालने के बाद में भी हम इसे कटोरी से प्रेस कर देंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर सही से चले जाए और बाहर ना निकले। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर लगभग 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 15-20 मिनट के बाद ये सेट हो गई है
और अब हम इसे काट लेते हैं। हम इसके इक्वल निशान लगा लेंगे और चाकू से इसे काट लेंगे। एक साइड से हमारे निशान लग गए हैं, हम दूसरी साइड से भी निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड से हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम इनके पीस निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से पीस निकले हैं। तो अब इसी तरीके से हम सारे पीस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स तैयार है हमारी चाशनी से बची हुई ये बेसन की बर्फी। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, किसी को यकीन नहीं होगा कि हमें बची हुई चाशनी से बनाई है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।